स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। आई एम राहुल राजपूत, योर मैथ टीचर ऑफ एलपीएम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस हमने वीडियो में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी किया है और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हमसे बहुत ही आसानी से अकॉर्डिंग टू फार्मूला सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, उसी क्रम में आज हम पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर के बारे में डिस्कस करेंगे। कैसे हम स्क्वायर शेप में अगर कोई डायग्राम दिया हुआ है या स्क्वायर शेप में कोई फिगर दिया गया है तो उसका हम कैसे पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। आज का वीडियो प्रीवियस टू डे के अकॉर्डिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डियर स्टूडेंट, बहुत ही माइंड को कंसंट्रेट करके आज के टॉपिक को समझना है और उसे खुद करने का प्रयास करना है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे हम किसी भी स्क्वायर शेप का पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, हम बोर्ड पे चलते हैं। बोर्ड पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। स्क्वायर का फार्मूला ही होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। स्क्वायर का फिगर सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा स्क्वायर का फिगर है, सभी साइड जो है वो बराबर होंगे। ये सभी साइड्स जो दिए गए हैं वो बिल्कुल बराबर होंगे। मींस सबसे पहले का नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। क्लियर है? यहाँ पे हम फिगर को और बेहतर तरीके से बना देते हैं ताकि पूरा कंप्लीट आपको ऐसा लगे कि ये कंप्लीट स्क्वायर शेप में ही दिया हुआ है। ओके, तो देख फिर से फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फिगर है, फिगर हमारा कंप्लीट स्क्वायर शेप में होना चाहिए। ए बी सी एंड डी, ये हो गया हमारा फिगर स्क्वायर शेप का। अब हमें इस फिगर का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को निकालने के लिए लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सभी को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऑल साइड्स ऑफ लेंथ आर सम, सम ऑफ ऑल साइड्स इन ऑल लेंथ। देखिए क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस, पहले इसको ऐड कर लेंगे, फिर हम इसे ऐड करेंगे, फिर हम इसे ऐड करेंगे और फिर लास्ट में इसे ऐड करेंगे। ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। क्लियर है? हमने क्या किया, सारे पोर्शन को जो फोर पार्ट है उन फोर पार्ट को हमने ऐड कर दिया। ए बी हमारा, ए बी का वैल्यू ये है, ए बी हमारा ये है, बी सी प्लस बी सी कर देंगे एंड सी डी प्लस सी डी कर देंगे एंड लास्ट डी ए या ए डी। फोर पोर्शन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कब? जब हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को जानना है तब। डियर स्टूडेंट, यहां पे हम एक चीज कॉमन देख रहे हैं, अगर ये वैल्यू आपका, सपोज करिए ये वैल्यू आपका 4 सेंटीमीटर का है तो ये आपको पता है ये सभी वैल्यू क्या है, इक्वल है, यानी सभी पार्ट्स होंगे वह 4 सेंटीमीटर के ही होंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसी फार्मूले को पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड टू साइड थ्री साइड एंड फोर साइड। यू नो, वन साइड टू साइड्स थ्री साइड्स फोर साइड्स,
ये सब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया फर्स्ट साइड्स, फर्स्ट साइड्स, ये हमारा हो गया सेकंड साइड, ये आपका हो गया थर्ड साइड, और लास्ट हमारा हो गया ये फोर्थ साइड्स। क्लियर है? ये चारों साइड हमारा क्लियर हो चुका है, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड एंड फोर्थ साइड। डियर स्टूडेंट, हमने यहां पे भी शो कर दिया है फर्स्ट साइड ए बी, सेकंड साइड बी सी, थर्ड साइड सी डी एंड लास्ट दैट इज फोर्थ साइड ए डी। अब हम इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई साइड। क्लियर है? क्योंकि फोर पार्ट है, फोर साइड है, और फोर साइड क्या है, इक्वल है, तो हम इसे आसानी से लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई साइड। अब ये हमारा जो हो गया फंडामेंटल फार्मूला हो गया अकॉर्डिंग टू फाइंड आउट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अगर हम किसी भी फिगर का जो स्क्वायर शेप में है उसका अगर हम पेरीमीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम बड़े आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारा फार्मूला हो गया पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई साइड। इसी फार्मूले से हम किसी भी स्क्वायर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का निकाला एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का निकाला। ये दोनों का जैसे हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना सीखा है और हम उसको आसानी से कर सकते हैं, उसी तरीके से इस फार्मूला के माध्यम से, इस फार्मूला को लेकर के हम बड़े आसानी से किसी भी स्क्वायर शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सपोज करिए फिगर हमारा यही है और इस फिगर का वैल्यू हमारा यहाँ पे मैंने बना भी दिया है, फोर दिया हुआ, इस वैल्यू एक वन पार्ट का वैल्यू फोर दिया है। अब हमें पूरे स्क्वायर फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? हमें फार्मूला यहाँ पे पता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई साइड। फोर मल्टीप्लाई साइड का वैल्यू दिया है फोर सेंटीमीटर, हमने फोर सेंटीमीटर को इनपुट कर दिया इस फार्मूले में। फोर मल्टीप्लाई फोर सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर फोर या सिक्सटीन सेंटीमीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। कितना आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, कोई हमें ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे हम फार्मूले में क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको हम इनपुट कर देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे और हम आसानी से इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, आप इसे भी बड़े ही कम समय में, ऐसे समझिए कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हमने देखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने देखा है, दोनों के अकॉर्डिंग ये हमारा फार्मूला इजी है, फोर मल्टीप्लाई साइड, फोर मल्टीप्लाई साइड। हमें चारों साइड में ऐड न करके एक साइड का वैल्यू हमें दिया रहेगा उसमें हमें फोर का मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। चाहे वो वैल्यू कुछ भी दिया रहे हमें उसमें फोर का मल्टीप्लाई कर देना है और वी गेट द फाइंड द करेक्ट आंसर। आसान है? आइए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के विषय में बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें पेरीमीटर निकालना है किस शेप का, स्क्वायर शेप का, जैसे हमने रेक्टेंगल शेप का और ट्रायंगल शेप का निकाला है ठीक उसी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे यहां तक तो हमने क्या किया है, अकॉर्डिंग टू फिगर हमने फार्मूला को कैसे फाइंड आउट किया है ये हमने दिखाया है। हमारा क्वेश्चन केवल इतना में ही लग करके खत्म हो गया है, ओनली थ्री स्टेप, हमने केवल थ्री रो में ही आंसर को फाइंड आउट कर लिया, बाकी ऊपर का पोर्शन हमारा क्या बता रहा है, फार्मूला हम कैसे उसको ला रहे हैं। हमारा फार्मूला है कैसे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है ऑल साइड्स ऑफ लेंथ, सम ऑफ द ऑल साइड्स आर एड टू ईच अदर, हमें सारे पार्ट्स को क्या करना है आपस में ऐड कर लेना है, यही हमारा पेरीमीटर का सबसे लोवेस्ट एग्जाम्पल है कि हमें क्या करना है सारे साइड्स को ऐड करना है, दैट्स इट। अब देखिए यहाँ पे हमारा साइड, ये जानते हैं कि हमारा
रेक्टेंगल शेप अगर रहता तो हम कहते हैं अपोजिट साइड आर इक्वल, और वो हम रेक्टेंगल को अगर फाइंड आउट करेंगे तो फिगर में उस फिगर को रेक्टेंगल मानेंगे जिसका अपोजिट साइड क्या हो, सेम, केवल अपोजिट साइड सेम हो, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एंड दो साइड थ्री कॉर्नर है, थ्री साइड एंड थ्री कॉर्नर है, वो हमारा ट्रायंगल है। लेकिन स्क्वायर का फॉर्मूला है ऑल साइड आर इक्वल, सारे पोर्शन क्या होंगे, बराबर होंगे, जितना जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना, मतलब टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट चारों पार्ट जो हमारे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला ए बी बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी सभी को मैच कर लिए, तो इससे अच्छा ये जब सब बराबर है हम लिख सकते हैं फोर मल्टीप्लाई साइड, डायरेक्ट हम स्टार्ट कर दिए, फोर मल्टीप्लाई साइड कर दिए, और इस तरीके से हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई साइड। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू फोर मल्टीप्लाई साइड। अब क्वेश्चन में हमारा जो अब हम फिगर में जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को बना करके अब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चनिंग के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखिए कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर वैल्यू दिया है, वन पार्ट का स्क्वायर शेप का वन पार्ट का ही वैल्यू देता है, और हम आसानी से उसके चारों पार्ट की वैल्यू को आसानी से निकाल के पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 तो साइड है और 4 सेंटीमीटर एक साइड का वैल्यू दिया है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 4 4 जा 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर शेप का पेरीमीटर बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम केवल इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कल हम दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, आज जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है उसी तरीके से आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जरूर हमसे कमेंट में उस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस जरूर करें, उस स्टेप के बारे में डिस्कस जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।